एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद एटा के ब्लॉक शीतलपुर में स्थित मानपुर गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 5 किलोमीटर है तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 4 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने मयंक भारद्वाज को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 4000 की आबादी एवं 1450 वोटरों वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में 300 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव की प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 285 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 35 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 10 हैंडपंप रिबोर कराए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 16 विद्युत पोल, 1 विद्युत ट्रांसफार्मर व 10 सोलर लाइट भी लगी हुई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 12 सीसी टाइल्स रोड, 5 खड़ंजे, पानी निकासी के लिए नाली, पुलिया व चक्रोड का निर्माण कराया गया है। साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 60 इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 आवासों का भी निर्माण कराया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, बारात घर, शमशान घाट, पंचायत घर, पुलिया, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ग्राम प्रधान मानपुर ब्लॉक शीतलपुर जिला इटी से। अभी तक अपने कार्यकाल में हमने जो है लगभग 12 सीसी करा चुके हैं, अभी तक गांव में जो नहीं थे, और लगभग 10-12 रिवोर करा चुके हैं, और कम से कम वृद्धा पेंशन, जीवन में 10-16 लाइटें लगवाई हैं, 10 आगे अभी और जरूरत है, उसको कराना है। गांव तक डावरीकरण नहीं कराया है, 1-2 हैंडपम्प नए लगवाए हैं, और लड़कियों को शादी के लिए जो 20,000 रुपया अनुदान मिलता है, 18-20 लड़कियों को ऐसे हम पैसा दिलवा चुके हैं। लगभग गांव में 80 साइकिलें दिलवा चुके हैं, और सरकार की तरफ से जो विकलांगों के लिए ट्राई साइकिल हैं, बैसाखी हैं, ऐसे कार्य कराए हैं, और मतलब 60 शौचालय तैयार हैं हमारे, बाकी अभी कार्य चल रहा है। लगभग गांव में 300 शौचालय देने हैं, कार्य प्रगति पे है, और कुछ जैसे महिलाओं को जो डिलीवरी होती है उस पर 10,000-12,000 रुपये लड़के के लिए, 15,000 रुपये लड़कियों के लिए। लड़का होता है तो 12,000, लड़की होती है तो 15,000, ऐसे लगभग 40 से लेके 50 तक लोगों को लाभान्वित किया है। श्रम विभाग से जितना मजदूर को लाभ मिल सकता है, मैं अपने प्रधान भाइयों को, थोड़ा सा प्रधान भाइयों के लिए बोलना चाहूँगा कि हमें संगठन को जो है मजबूती से चलाना चाहिए, और अपनी जितनी हो सहभागिता करें, क्योंकि बिना संगठन के प्रधानों का कोई मतलब कहीं किसी अधिकारी या कोई थाने कहीं पर भी कुछ नहीं समझा जाता है। तो मतलब उनको एक संगठन में रह के ये चीज़ हो सकती है। हम लोगों की कुछ मांगे हैं, संगठन में होंगे तो वो सुनी जाएंगी, बाकी हर प्रधान अलग होगा, किसी को कुछ किसी को कुछ, तो वो मतलब अपना नहीं चल सकता। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि संगठन एक होना बहुत आवश्यक है, और इससे मतलब सभी प्रधान लोगों को जुड़ना चाहिए।